बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टैट के बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो है जी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। कंफर्म एक सवाल आना होता है इसमें, एम इकोनॉमिक्स अगर आप कर रहे हैं, स्टैट का पेपर आपने देना है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आमतौर पर ये कन्फ्यूजन है कि एक स्टेटमेंट समझ नहीं आती, दूसरा टी टेस्ट कब लगता है, जी टेस्ट कब लगता है। इन्हीं कन्फ्यूजन का आपको सोल्यूशन मिलेगा इस वीडियो में, तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको ये फर्क बता दूं, जी टेस्ट कब लगता है और टी टेस्ट कब लगता है। देखें इतनी सी बात, स्टेटमेंट पर के स्टेटमेंट में ये साफ मेंशन होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन या तो पॉपुलेशन का है या वो सैंपल का है, स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस। अगर तो स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का है, पॉपुलेशन और सैंपल में तो फर्क करना आपको आना चाहिए, मास्टर्स लेवल है, तो आपने जी टेस्ट लगाना है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल का है तो आपने टी टेस्ट लगाना है। इतना सा फर्क है बस, ये याद रखें बात। और जी टेस्ट वन टेल और टू टेल ये कैसे पता चले जी, आपके पॉपुलेशन मीन वो इक्वल है कि नहीं इक्वल, प्रोपोर्शनल है कि नहीं प्रोपोर्शनल, कंसिस्टेंट है कि नहीं कंसिस्टेंट, इस तरह की बातें लिखी हो तो टू टेल होता है। अगर लिखा हो कि पॉपुलेशन मीन इज लेस देन 23 या इज ग्रेटर देन, स्मॉलर, शॉर्टर, लार्जर, इस तरह की वैल्यूज लिखी हो तो ये वन टेल होता है। ठीक है जी, तो जो भी स्टेटमेंट लिखी हो, लेस देन का वर्ड लिखा हो तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस में लेस का सिंबल लगाना होता है। ग्रेटर, लार्जर, हायर ये लिखा हो तो ये आपने ग्रेटर का सिंबल लगाना होता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस में, एच वन में। ठीक है जी, तो ये वन और टू। अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आ रही इनमें से, लेस देन, ग्रेटर देन, शॉर्टर, स्मॉलर, हायर, फास्टर, इस तरह का कोई वर्ड नहीं है, तो फिर आप समझ लें ये टू टेल का टेस्ट है। अगर तो टू टेल का टेस्ट हो, जी है या टी है, दोनों में अल्फा को टू पे डिवाइड कर देना है। ये इसमें आमतौर पे कन्फ्यूजन आती हैं, इनको देख लें और ये आपके मसले हल हो जाएंगे। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल भी मैं टी की और जी की आपको बता देता हूँ, उधर से आपको मजीद क्लियर हो जाएगी। तो आइए जी चलते हैं न्यूमेरिकल एग्जाम्पल की तरफ जी। ये एग्जाम्पल है हमारे पास एक हिंस, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ केचप uses a particular machine to dispense 16 ounces of its ketchup into containers. From many years of experience with the particular dispensing machine, hence knows the amount of product in each container, follow a normal distribution with mean of 16. ये population mean है, क्योंकि sample की कहीं पर भी उसने बात नहीं की, ये mean आ गया आपका 16 population का, जिसे mu कहते हैं, एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.15। अब ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है। आ सैंपल ऑफ, इसके बाद इंफॉर्मेशन देने के बाद वो सैंपल की बात कर रहा है। आ सैंपल ऑफ 50 कंटेन फील्ड लास्ट आवर रिवील्ड द मेन अमाउंट पर कंटेनर वाज 16.017। अब ये मेन अमाउंट सैंपल की है, ये सैंपल मीन है एक्स बार जिसे कहते हैं। ठीक है, ये तमाम इंफॉर्मेशन, पॉपुलेशन मीन गिवन है आपका 16, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है आपके पास 0.15, एन आपके पास 50 है, सैंपल मीन एक्स बार 16.017। ये इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि ये जी टेस्ट का क्वेश्चन है, टी का नहीं है। डज दिस एविडेंस, अब आगे पता चलेगा वन टेल है कि टू टेल है, वो लास्ट लाइन से पता चलता है हमेशा। डज दिस एविडेंस सजेस्ट दैट द मीन अमाउंट डिस्पेंस इज डिफरेंट फ्रॉम 16, डिफरेंट है कि नहीं है, या तो डिफरेंट है या तो डिफरेंट नहीं है, तो ये टू टेल का क्वेश्चन है। क्योंकि इसकी जगह अगर लेस देन, ग्रेटर, लार्जर, स्मॉलर, हायर, फास्टर ये वर्ड होते तो वन टेल का होना था, डिफरेंट है कि नहीं है, तो ये टू टेल का क्वेश्चन है। क्लियर होगी जी बात। इसको आप जी के फार्मूले से करेंगे तो इसको अगर सोल्यूशन में हल्का सा हाईलाइट आपको दे देता हूँ, इसकी सोल्यूशन करना हो एच नोट म्यू इक्वल टू 200 की जगह आपके क्वेश्चन में था ये 16 इक्वल टू 16 और इधर आ जाएगा नोट इक्वल टू 16। फिर स्टेप टू है जी, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा आपको 5% ऑफ द लिख देंगे, अल्फा इक्वल टू 0.05। स्टेप थ्री है जी टेस्ट स्टैटिस्टिक, टेस्ट स्टैटिस्टिक में आपने ये फार्मूला लगाना है, जी इक्वल एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। ये सिग्मा ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है जो आपको गिवन था। ये फार्मूले में आपने नेक्स्ट में इसी से अगला स्टेप कैलकुलेशन का लिख सकते हैं आप, उसमें ये तमाम वैल्यूज कैलकुलेट करके जी की कैलकुलेटेड वैल्यू निकाल लें। उसके बाद होता है जी फार्मूले डिसीजन रूल, उसमें ये डायग्राम बनेगी।
ये देखें, अल्फा आपको 5% था, 5 को 2 पे डिवाइड किया तो 0.25 आ गया। एक इस तरफ रीजन क्रिटिकल बनेगा, एक इस तरफ क्रिटिकल रीजन बनेगा 0.25। अब ये 0.25 को 0.5 से माइनस करना आपने, 0.475 हो जाएगा। 0.475 को आपने पीछे जी के टेबल में देख लेना है, वो आप जी की वैल्यू आ जाएगी 1.96। तो ये जी जी का टेबल है, एरिया अंडर नॉर्मल कर्व, ठीक है जी। तो जी के टेबल में आपने 0.475 को ढूंढ लेना है, टेबल के अंदर कहाँ पे है, ये आ गया 0.475। इसी के कोरिस्पोंडिंग इधर आपने देख लेना ये 1.9 है, और इसी के ऊपर आपने हॉरिजेंटली देख लेना ये 0.06 है। 1.9 और 0.06 को आप ऐड करेंगे तो ये बनता है 1.96। तो ये टेबल की वैल्यू आपकी बन गई 1.96। और अगर तो आपका ये टू टेल का टेस्ट है, जिस तरह ये एग्जांपल टू टेल की है, दोनों तरफ क्रिटिकल रीजन बनाए हुए हैं, तो वो टेबल की वैल्यू को प्लस के साइन के साथ इस तरफ राइट साइड पे लिखेंगे, और उसी टेबल की वैल्यू को माइनस के साइन के साथ इधर लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, -1.96 +1.96। अब आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो आपने चेक कर लेनी है, इन दो बाउंड्रीज के दरमियान में आ रही है तो एच नोड को एक्सेप्ट कर देंगे, इन दोनों बाउंड्रीज के दरमियान में नहीं आ रही, मतलब कि अगर आप इन वैल्यूज को कैलकुलेट करें और उसका आंसर आ जाए 1.25 का मतलब है वो इन दो बाउंड्रीज के दरमियान में आ रहा है, आप एक्सेप्ट करेंगे। अगर तो आंसर आपका आ जाए 2.47 या -2.47, तो इसका मतलब है वो इन दो बाउंड्रीज के बाहर चला गया, क्रिटिकल रीजन में है, वो इस साइड पे आएगा, तो आप एच नोड को रिजेक्ट कर देंगे। ये आपने लास्ट में डिसीजन देना होता है, एच नोड इज एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड। ये हो गई आपकी एक एग्जांपल कंप्लीट। अब टी की भी मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ जी। ये एक सेकंड एग्जांपल है मेरे पास। द मेन लेंथ ऑफ स्मॉल काउंटर बैलेंस बार इज 43 मिलीमीटर। मेन लेंथ, इसका मतलब है ये पॉपुलेशन मेन, सैंपल के भी कहीं पे उसने बात नहीं की, म्यू आ गया 43। The production supervisor is concerned that adjustment of machine producing the bar have changed. He asks engineering department to investigate. Engineering select a random sample of 12 and aage 12 and measure each. The result are reported below in millimeters. Ab wo 12 ke ye result hain. Population standard deviation kahin pe bhi nahi given upar. Iska matlab hai ye aapka टी टेस्ट का क्वेश्चन है। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर गिवन होता तो जी टेस्ट होना था, यहाँ पे टी लगेगा। अब एक्स बार और सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दो चीजें नहीं है हमारे पास, वो इस डाटा की मदद से फाइंड करेंगे। और वन टेल टू टेल ये कैसे पता चलेगा, लास्ट स्टेटमेंट से। इज इट रीजनेबल टू कंक्लूड दैट देयर हैज बीन अ चेंज इन मेन लेंथ ऑफ बार। देयर हैज बीन अ चेंज ऑफ, चेंज है कि नहीं है, टू टेल का क्वेश्चन हो गया। Use the 0.2% significance level, alpha 0.2। ये एक और example मैं आपको दिखा दूं one tail की, आपके mind में ये ना हो कि one tail का किस तरह का होता है, ये वैसे ही देख लें। अगर ये लिखा हो ना, is it reasonable to conclude that mean cost to process a claim is now less than 60, less than, तो less का word आ गया, alternate में आपने less का symbol लगा देना, ये होता है one tail का question। अब वो वाला हमारा two tail का question था। अब इसमें आपने सबसे पहले तो ये नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बताने हैं। ले जी, बाहर बारिश भी हो रही है बहुत जोरों शोर से। उसके बाद आपने स्टेप टू में अल्फा लिखना है, स्टेप थ्री में आपने टी का टेस्ट लिखना है, टेस्ट स्टैटिस्टिक। वो टी का फार्मूला ये है जी, एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर अंडर रूट एन, सिग्मा की जगह एस आ गया। अब म्यू और एन तो था हमारे पास, एक्स बार और एस नहीं है, वो कैलकुलेट कर लेंगे किस तरह। ये जो वैल्यूज आपको गिवन थी ये सारी एक्स की वैल्यूज है, इसका एक्स का कॉलम बना के ये वैल्यूज लिखी, इन्हें जमा कर लिया, 498 आ गया। एक्स बार निकाला आपने सबसे पहले, वो नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर देते हैं, 498 डिवाइडेड बाय 12, 41.5 आ गया। एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम बना लिया आपने, ये बन गया, इसी का स्केयर लेते गए ये आ गया। इन तमाम वैल्यूज को जमा कर लें 35। अब स्टैंडर्ड डेविएशन जो सैंपल का है उसका ये फार्मूला होता है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्केयर ओवर एन माइनस एन, इसका स्केयर रूट ले लेना है। वेरिएंस हो तो स्केयर रूट नहीं लिया जाता, एस के ऊपर स्केयर आ जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन में स्केयर रूट होता है। तो ये वैल्यूज पुट की, ये आ गया जी एस। तो इस फार्मूले में आपने ये वैल्यूज लगा देनी है, ये कैलकुलेटेड टी का आंसर आ गया -2.913। अब आगे आपने
टेबल से वैल्यू देखनी है, क्रिटिकल रीजन बनाना है, वो क्रिटिकल रीजन ये बनेगा, अल्फा को 2 पे डिवाइड किया वो 0.1 आ गया, इस तरफ भी एक 0.1 की बाउंड्री लग गई क्रिटिकल रीजन, इस तरफ भी एक 0.1 की बाउंड्री लग गई क्रिटिकल रीजन। अब आपने टी के टेबल में अल्फा 0.1 को डिग्री ऑफ फ्रीडम 11 है, एन माइनस 1 होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, मैंने आपको बताया था, अब एन यहाँ पे 12 है, 11 में आपने देख लेना है। जी ये स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है, ठीक है जी। अब इसमें ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इस तरफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है 11 में आपने जाना है, ये है 11 और इसे 0.01 में आपने देखना है, तो वो आ गया 2.718। ये देखिए वन टेल में 0.01 में देखेंगे या टू टेल में 0.02, जो आपको 2% अल्फा गिवन था उसे टू टेल में देख लें, या टू पे डिवाइड करना है तो वन टेल में देखेंगे 0.01 को, ये आ गया जी आपका 2.718, ये आपकी वैल्यू है। तो अगेन रूल यही है, प्लस के साथ 2.718 इस साइड पे लिख देंगे, राइट साइड पे माइनस के साथ यही वैल्यू आप इस साइड पे लिख देंगे, तो ये आपकी आ गई लिमिट। इसके अंदर अंदर अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है तो एक्सेप्ट करेंगे एच नोट को, अदरवाइज रिजेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारी वैल्यू जो सी थी कैलकुलेटेड वो थी 2.9, तो वो 2.9 वो 2.7 से ग्रेटर है, इसका मतलब है इस क्रिटिकल रीजन में आ रही है। तो लास्ट में आप लिखेंगे डिसीजन, उसमें आप लिखेंगे या कंक्लूजन, उसमें आप लिखेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी फॉल्स इन रिजेक्शन रीजन, दैट्स व्हाई वी रिजेक्ट एच नोट। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट। मेरा ख्याल है ये वीडियो आपको कंप्लीट समझ में आ गई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। माइक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल नाम प्यार है, बड़ा मेहरबानी तो सही, प्यार करो, सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो।